हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से यहाँ पे एक खबर आ रही है कि 14 फरवरी में जो कि इसका RRB ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो दोस्तों, आज ही डेट है, इस डेट में क्या एक न्यूज़ आया है, बिग न्यूज़ क्या आया RRB के तरफ से, मैं उसका डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि NDTV इंडिया के जो ऑफिशियल पेज है, न्यूज़पेपर के ऑफिशियल पेज, इसको मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे बिग न्यूज़ जो कि यहाँ पे चला है, लेटेस्ट न्यूज़ आज की न्यूज़ है, यहाँ पे इसको यहाँ पे चलाया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या बोला गया है RRB के तरफ से, मैं उसको भी यहाँ पे डिटेल्स में क्लियर कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2019 ग्रुप डी रिजल्ट विल सून बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, चेक ईच अपडेट। तो दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द ही आ जाएगा, कि बहुत जल्द ही आपका जो रिजल्ट आप देख पाएंगे, आप किस तरह से देख पाएंगे उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप किस तरह से यहाँ पे देख पाएंगे, कौन कौन वेबसाइट में जाके आप लोग किस तरह से देख पाएंगे उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आप लोगों को बता देता, ये आप लोग देख सकते हैं 14 फरवरी 2019 8:06 AM में ये जो डिटेल, ये जो न्यूज़ है वो आया है, यहाँ पे चला है, लेटेस्ट न्यूज़ आया है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि RRB ग्रुप डी कैन बी इशूड सून, कैंडिडेट विल हैव टू गो टू देयर RRB वेबसाइट देयर रीजनल टू चेक द रिजल्ट ऑफ RRB ग्रुप डी एग्जाम। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आप किस तरह से आप यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर भी दिया हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से क्या क्या चाहिए आप, जब भी आपका रिजल्ट जब आप देखेंगे उससे पहले आपको क्या क्या चाहिए आपको, उसका भी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोला गया है, मैं उसको भी यहाँ पे क्लियरली आपको लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले बोला गया न्यू दिल्ली द RRB रिजल्ट ऑफ 62,907 पोस्ट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप कैन बी इशूड एट एनी टाइम। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज नॉट सेट एनी डेट फॉर इशू ऑफ ग्रुप डी रिजल्ट RRB रिजल्ट 2019। ए सीनियर RRB ऑफिशियल टोल्ड NDTV दैट द रिजल्ट RRB ग्रुप डी रिजल्ट विल बी रिलीज सून। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की डेट में जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आया है, इसमें भी आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते, इसमें भी बोला गया है कि यहाँ पे कुछ भी डेट अभी तक के लिए या क्लियर नहीं हुआ है, डेट फिक्स नहीं हुआ है कि जिस डेट में यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो चला है। NDTV के जो ऑफिशियल यहाँ पे एक न्यूज़ होल्डर है, वो लोग के पास यहाँ पे RRB के तरफ से एक ऑफिशियली नोटिस आया है, जिसका जिसमें बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इसके साथ साथ बोला गया है कि दोस्तों, अराउंड 1.89 करोड़ पीपल अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन, वाइल 1.17 करोड़ कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। द रिजल्ट ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2019 इज़ अ बिग टास्क। We do not want any mistake in the result. Let us know the according to the media report. The result will be released on February 17. तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि 17 फरवरी में आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे चलाएगा। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि 17 फरवरी 2019 में आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे चला है। इसके साथ साथ वो लोग चाहते हैं कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, इसके लिए यहाँ पे वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी मिस्टेक हो उनके तरफ से, इसीलिए ये लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज कर देगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि हाउएवर द रेलवे ऑफिशियल डिड नॉट कन्फर्म दिस, द रिजल्ट द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल रिलीज द रिजल्ट ऑन द इट्स ऑल ऑन इट्स रीजनल वेबसाइट। कीप इन माइंड दैट द कैंडिडेट विल हैव टू गो द हैव टू
go to the RRB website of their region to check their result. A link to the group D result will be activated on the website. After clicking on which candidate must log in, candidates will need to register number and date of birth to log in. In such situation, the candidate will now have to write a registration number and write to him. So, दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि क्या-क्या जरूरत है, जब भी आप आपका जो रिजल्ट है आप देखेंगे, आप क्या-क्या चीज आपके पास होना चाहिए जिसके बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे आपको बोला गया है कि to check the result of RRB Group D exam, open your regional or RRB के website. तो आपका जो regional RRB के website आपके है, आप उसको ही open करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि click the link of Group D result of region website. उसके बाद link Group D के जो result है आपको वहाँ पे click करना होगा। उसके बाद fill out the request information of submitted, it search a registration number, date of birth and result will come to your screen. Now you can print out your result for the future. तो दोस्तों यहाँ पे आपको result इस तरह से आप देख पाएंगे, उसके बाद आपका जो result है आप वहाँ से download या print out कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपका जो regional जो website है, जो जो cities के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका जो link है मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके आपका जो regional website है आप लोग वहाँ से जाके देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही एक big news था जो कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो यही था वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके जुड़े अगर कोई भी बड़ा न्यूज़ आता है आरआरबी के जुड़े, मैं उसका भी वीडियो बना के आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।